गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको MIS पर्सनलाइज टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। सो बेसिकली MIS पर्सनलाइज टोटल नी रिप्लेसमेंट जो है, ये सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट है टोटल नी रिप्लेसमेंट में। MIS टेक्निक, एज यू ऑलरेडी नो, उसमें इंसिजन चमड़ी का छोटा रहता है। बट MIS पर्सनलाइज टोटल नी रिप्लेसमेंट हम लोग जो मेजर चीज़ कर रहे हैं, बोन लॉस जो होता है एक टोटल नी रिप्लेसमेंट में, उसमें बोन लॉस भी कम होता है, अराउंड 50% लेस होता है। तो इसके कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं, क्योंकि बोन लॉस कम होता है, पेशेंट को पेन ओवरऑल कम रहेगा, रिकवरी फास्ट रहेगी। दूसरा चीज़, फ्यूचर में अगर रिविजन नी रिप्लेसमेंट का भी ज़रूरत होता है तो बोन एक्स्ट्रा रहेगी, जिसकी वजह से पेशेंट को सेकेंड सर्जरी में भी बाद में अगर फ्यूचर में नीड होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दैट इज़ द मेन एडवांटेज। दूसरा जो पर्सनलाइज टोटल नी रिप्लेसमेंट है, एक इमेजिन करिए अपन शूज़ पहनते हैं, है ना। अब हर शू का एक साइज होता है, जैसे कि 40 होता है, 43 होता है, 45 होता है, या दूसरे नंबर्स में देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग साइजेस है। सो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट में ये होता है कि इंडिविजुअलाइज साइजेस नहीं होते हैं, है ना। एंड पर्सनलाइज टोटल नी रिप्लेसमेंट में पेशेंट के नी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट साइज जो फिट होता है उसके हिसाब से नी का इम्प्लांट रहता है, तो जो इम्प्लांट फिटिंग रहता है वो एकदम परफेक्ट रहता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है, जेंडर स्पेसिफिक होता है। सो मेल्स के लिए इम्प्लांट अलग रहता है, फीमेल्स के लिए इम्प्लांट अलग रहता है। फिर से वही एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर अपन एक शू साइज़ को देखा जाए तो मेल्स के शूज़ अलग होते हैं, फीमेल्स के शूज़ अलग होते हैं, एंड जो साइज शू का रहता है वो भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तो वैसे ही वो हम लोग नी रिप्लेसमेंट में कर रहे हैं, एंड एकदम परफेक्ट साइज जब फिट होता है तो ओवरऑल इम्प्लांट की लॉन्गिटिविटी बढ़ती है, ड्यूरेशन जो इम्प्लांट है अराउंड 30 to 35 ईयर्स चल सकता है। दूसरा चीज़, पेशेंट्स को क्योंकि बोन लॉस कम है ओवरऑल पेन कम रहेगा, एंड फ्यूचर में भी नी रिप्लेसमेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा चांसेस रहेंगे क्योंकि बोन लॉस कम है। द सेकेंड थिंग इज़ कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट रहती है और पेशेंट सारा सारा बेंडिंग कर पाते हैं। कुछ पेशेंट्स को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है कि हमको ज़मीन पर बैठना है या इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करना है, तो हम नी रिप्लेसमेंट के बाद भी वी कैन अलाउ दिस फॉर द पेशेंट, एंड वो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है। सो अगर आपके किसी नोन को जिसको रिक्वायरमेंट है नी रिप्लेसमेंट की, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टोटल नी रिप्लेसमेंट विद दिस पर्सनलाइज नी सिस्टम। एंड इसके 20 ईयर्स रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड उसकी सक्सेस रेट अराउंड 98.9% है। ओके, कुछ भी क्वेश्चन हो या डाउट्स हो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमको व्हाट्सएप नंबर पे। और इसके साथ मैं एक ऐड कर रहा हूँ, पेशेंट का टेस्टिमोनियल जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं इसी टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। ओके, थैंक यू। मेरा नाम चंद्रशेखर गौड़ है और ये मेरी माताजी जावित्री देवी है। इनकी उम्र 73 साल है और इनको घुटने का दर्द लगभग 12 से 15 साल से है और बहुत जगह दिखाया, कोई रिलीफ नहीं मिला। तो यहाँ इंदौर में सेल्बी हॉस्पिटल में डॉक्टर विकास जैन सर से मैं कंसल्ट किया। पहले कंसल्ट करने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट की, आप एक बार देखिए सर्जरी कराए तो आराम मिलेगा। हमने दिसंबर में सर्जरी कराई। सर्जरी कराने के बाद अभी मेरी माताजी को लगभग दर्द से तो पूरी तरीके से, और जो उनको रेगुलर प्रॉब्लम थी दर्द की चलने उठने बैठने में, वो सब लगभग ना ख़त्म हो चुकी है। और मैं खुद अभी खुश हूँ कि, और मम्मी माताजी मेरी खुश होकर घर जा रही हैं। अभी 2 महीने से मेरे साथ थी, अभी घर जा रही हैं। उनको घर की जल्दी है कि अब मैं ठीक हो गई, घर जाना है। और तो मैं अभी बहुत खुशी मन से उनको घर भेज पा रहा हूँ। दूसरा, मेरा कोई भी हो जो जिसको घुटने से संबंधित प्रॉब्लम हो तो यहाँ इंदौर में सेल्बी हॉस्पिटल में डॉक्टर विकास जैन सर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कराएं। तो मेरे हिसाब से उनकी लगभग जो दर्द की, घुटने की जो भी प्रॉब्लम होंगी वो लगभग 99% या 100% मैं जिस हिसाब से सेटिस्फाइड हूँ वो सेटिस्फाइड होके ही जाएगा यहाँ से। धन्यवाद।